दोस्तों चीन के लोगों ने तो जीन थेरेपी के माध्यम से खट्टे फलों को भी चीनी जैसा मीठा बना दिया है। ऐसे ही बांस का डीएनए गन्ने में डालकर उसको मोटा रसीला गोल्डन किस्म का गन्ना बना दिया है, जो इतना सॉफ्ट है कि हाथ से इसे आराम से तोड़ा जा सकता है और कपड़े की तरह निचोड़ा जा सकता है। यही नहीं, छोटे से चीकू को तो पपीते जैसा बड़ा बना दिया है और आम के पेड़ों के ऊपर अजीबोगरीब तकनीक इस्तेमाल करके फलों के राजा आम के अंदर से गुठली ही गायब कर दी इन्होंने। अंगूरों की बात करें तो आप गोल गोल काले और हरे अंगूर देखे होंगे, पर इन चाइना के लोगों ने तो उंगली के आकार का लंबा लंबा अंगूर भी पैदा कर दिया है और छोटे छोटे अंगूरों को बड़ा बना दिया है। सब्जियों में तुरई को लंबू बना दिया है और प्याज का डीएनए चेंज करके नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा बना दिया है और सेब में तो इन्होंने सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल करा दिए। व्हाइट कलर के एप्पल को काटने पर इसके अंदर येलो कलर निकलता है और रेड कलर के एप्पल को काटने पर इसके अंदर रेड कलर निकलता है। और तरबूज के डीएनए में हड़ताल मचाकर इन्होंने हद से भी ज्यादा बड़ा तरबूज बना दिया है। वैसे आपको इनमें से कौन सा फ्रूट पसंद आया कमेंट करके बताएं।